दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथ दर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। गुरुवार की सुबह सुबह शिक्षक पति पत्नी चढ़ गए अवैध यातायात और अतिक्रमण की बलि। आशियाड कॉलोनी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। शिक्षकों को दर्दनाक मौत दी हमारे नाकारे महकमे ने, ऊपर से दिखाई दिखावे की खाना पूर्ति भी। मनपा आयुक्त के दौरों की जानकारियां भी हो रही है लीक। असल सच्चाई पर पर्दा डालने में लगी है महकमे के रिश्वत लोभियों की लॉबी। पुलिस के कार्रवाई की जानकारी भी पहुंच रही है अपराधियों तक। डिपार्टमेंट के बंदे ही बन गए हैं अपराधियों के मुखबिर। घरकुल और शौचालय के लिए मनपा में ढोल पीटे बसपा ने। निगमायुक्तों ने मंजूर की आंदोलकों की न्यायिक मांगे। निगमायुक्त ने गुरुवार को किया कंपोस्ट डिपो और इतवारा बाजार का मुआयना। कचरा व्यवस्थापन और अतिक्रमण रडार पर है महकमे के। पार्षद पद रद्द होने के बाद अब पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है शमीना बानो सादिक आइडिया को। चुनाव आयोग को झूठा हलफनामा देना महंगा पड़ा नगर सेविका को। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे तत्पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गुरुवार की सुबह सुबह शहर के आशियाड कॉलोनी मार्ग पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में शिक्षक पति पत्नी की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद मनपा महकमा अचानक ही हरकत में दिखा जो खटक गया, क्योंकि पुलिस और मनपा दोनों की अकार्यक्षमता ही इस हादसे की दोषी है। वरना क्या मजाल है कि रोज दर्जनों ट्रक नो एंट्री में बेरोक टोक दौड़ लगाए। क्या मजाल है कि शहर की सड़कें आधे तक अतिक्रमित हो जाए। अमरावती शहर स्मार्ट होगा कि नहीं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन शहरवासी एक बात जान ले कि कुछ होगा तभी हमारा महकमा कुछ करेगा। बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएंगी की तर्ज पर हमारा महकमा भी तभी हरकत में दिखता है जब कोई बड़ी दुर्घटना घटती है। हमारे शहर की यातायात अनियंत्रित है। ट्रक वालों पर नो एंट्री रहे ना रहे कोई असर नहीं पड़ता। शहर में कितनी भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयां हो, शहर के अतिक्रमण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधियों पर नकेल कसने वाली कार्रवाइयां हो या ना हो, अपराधियों पर कोई आंच नहीं आती। लेकिन जब भी कोई दुर्घटना या अनहोनी होती है, हमारा महकमा दिखावे की खाना पूर्ति करते जरूर दिखता है। नवसारी सड़क हादसा आज भी सबके रोंगटे खड़ा करता है। वह हो जाने के बाद भी शहर की यातायात जरा भी नहीं सुधरी, बल्कि तब से तो वसूली ज्यादा होने लगी है कड़े कार्रवाई के नाम पर। शहर के अतिक्रमण पर कड़े कार्रवाई का आगाज तो हुआ, लेकिन अतिक्रमण कम होने की बजाय निरंतर बढ़ ही रहा है और बढ़ रही है अतिक्रमण विभाग के रिश्वतखोरों की कमाई भी। पुलिस और मनपा इन दो मुख्य डिपार्टमेंटों के लापरवाही से 7 निष्पाप बालकों की बलि तप गई थी। अब पति पत्नी या दो शिक्षकों की जोड़ी अतिक्रमण और अवैध यातायात की बलि गई। नो एंट्री में घुसने की आदत अनुसार रेती वहन करने वाला ट्रक आशियाड कॉलोनी मार्ग पर दौड़ते आया और दुपहिया पर जा रहे घूमने दंपत्ति को बुरी तरह से कुचलते गया। हादसे के वक्त की वह तस्वीर इतनी दर्दनाक और भयानक कि आप देख भी नहीं पाएंगे। मौकाए वारदात पर दोनों शिक्षक पति पत्नी ने एक दूसरे को बिलके हालात में दम तोड़ दिया। ऐसे ही भयानक हादसों का इंतजार हमारे महकमे को रहता है। यह हादसा होते ही इस मार्ग पर का वह अतिक्रमण जो अब तक छिपा था अचानक दिख गया और मनपा ने कार्रवाई शुरू कर दिखावे की दक्षता दिखाने वाली खानापूर्ति की।
अब पुलिस डिपार्टमेंट भी खानापूर्ति करेगा। थोड़े दिन नियमों से चलेंगे, फिर हालात वही वही शहर, वही अनियंत्रित यातायात, वही अतिक्रमण, वही सड़कों पर के गड्ढे, वही त्रासदी। तब तक जब तक और कईयों की बलि नहीं जाती, जैसे कुछ हुआ महकमा फिर कुछ करेगा। अब तो ऐसा ही पूछना पड़ेगा कि आखिर हमारे महकमे को और कितनों की बलि चाहिए, क्योंकि हमारा महकमा तभी कुछ करेगा जब कुछ होगा। अमरावती जिला परिषद के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी KM अहमद इनसे अमरावती छूट नहीं रही। विगत 8 सालों से वे अनगिनत गलतियां और अपहारों में लिप्त होकर भी अपने पद पर कायम ही हैं। विगत हफ्ते भर पहले ही उनके तबादले का ऑर्डर भी आया, लेकिन KM अहमद अमरावती छोड़ने को तैयार ही नहीं। जिस पर सिटी न्यूज ने CEO पाटिल से इस मामले पर जवाब मांगा तो उन्होंने बताया कि आगामी 48 घंटों में KM अहमद को अमरावती छोड़नी ही पड़ेगी। देखते हैं और क्या हाथ पाँव मारते हैं KM अहमद साहब, क्योंकि वे अब तक ऐसे ही हाथ पाँव मारकर अमरावती में टिके हैं, अपनी खुर्ची सही सलामत बचाए रखे हैं। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की हलचलों के तहत शहर के कंपोस्ट डिपो सहित कई इलाकों का हाल जाना जा रहा है। इसी निरीक्षण दौरे के तहत गुरुवार को निगमायुक्त गुड़ेवार ने शहर में दौरे किए, लेकिन उन्हें जो सच्चाई दिखनी थी वह दिख नहीं पाई, क्योंकि उनके दौरे की जानकारी लीक हो गई थी। शहर को स्मार्ट बनाना है तो शहर के कचरे का व्यवस्थापन, शहर का अतिक्रमण, अनियंत्रित यातायात में सुधार आदि सुधार बेहद जरूरी है। वैसे निर्देश भी है, इसलिए निगमायुक्त ने शहर के दौरे करना शुरू किया है। गुरुवार को वे शहर के कंपोस्ट डिपो पर पहुंचे, बाद में इतवारा बाजार। लेकिन इन दौरों में निगमायुक्त को वो सच्चाई दिख नहीं पाई जो उन्हें दिखनी जरूरी थी। निगमायुक्त के इस आकस्मिक निरीक्षण दौरे की जानकारी मनपा में से ही लीक हुई और जिनको जो करना था उन्होंने वह कर दिया। जब निगमायुक्त कंपोस्ट डिपो से इतवारा बाजार पहुंचे, तब तक इतवारा की गंदगी, अतिक्रमण सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया था ताकि कोई गलती ना दिख पाए। इतनी अच्छी स्वच्छता यहां देखने मिली कि ऐसी स्वच्छता यहां पहले कभी किसी ने भी नहीं देखी। जो स्वच्छता कर्मचारी कभी नहीं दिखते थे, वे भी इतवारा में स्वच्छता करते गुरुवार को दिखाई दिए। यह दिखावा निगमायुक्त के लिए खड़ा किया गया था, यह साफ उजागर भी हुआ और खुद निगमायुक्त ने भी ये बात कहकर भी बताई। मनपा में रिश्वत लोभियों की लॉबी भी सक्रिय है, जो अपनी कमाई बचाने कईयों जानकारियां लीक करती है ताकि दोषियों को सवरने का मौका मिले। इस रिश्वत लोभियों के टोली पर ही सर्वप्रथम कार्रवाई होना जरूरी है। दो से अधिक संतानें रहने की जानकारी छिपाने के मामले में दोषी नगर सेविका शमीम बानो सादिक आइडिया पर उनका नगर सेवक पद रद्द होने की कार्रवाई हुई थी। अब मनपा ने उक्त शिकायत पुलिस में भी दे दी है। मनपा उपायुक्त चंदन पाटिल के शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शमीम बानो सादिक आइडिया पर अपराध दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि 5 संतानें रहकर भी शमीम बानो ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में केवल 2 संतानें रहने की जानकारी दी थी। यह झूठ पकड़ा गया और अब उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को राजापेट पुलिस थाने में CP DCP के अगुवाई में शांतता समिति की बैठक तथा चर्चा सत्र संपन्न हुआ। इस बैठक और चर्चा सत्र में पुलिस ने सभी से शिकायतें सुनी और इन शिकायतों के निराकरण के लिए सुझाव भी मांगे। पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बरकरार रखने, शहरवासियों से हर अपराध और हर अपराधी की जानकारी पुलिस को देने की अपील भी की है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। गुरुवार को मनपा आयुक्त गुड़ेवार ने शहर के कंपोस्ट डिपो का मुआयना किया। गौरतलब रहे कि सिटी न्यूज ने महकमे के सामने यह सच्चाई कई दिनों पहले ही रख दी थी कि कचरे की खाली गाड़ियों की एंट्री दिखाकर लूट शुरू है। इस खबर को भी पुख्ता प्रमाण निगमायुक्त के इस दौरे से मिल गया। सिटी न्यूज ने अपने लक्ष्यवेधी खबरों के श्रृंखला में बताया था कि शहर का कचरा कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने जो वाहन है वह खाली ही दौड़ते हैं और शहर का कचरा कंपोस्ट डिपो तक पहुंचता ही नहीं।
कंपोस्ट डिपो के इर्द गिर्द ही घूमकर वह इन वाहनों की फेरियां दर्ज होती है और निधि निकलता है। फिर कचरा चाहे जहां है वहीं बना रहे, इन्हें कोई परवाह नहीं। गुरुवार को यही पुख्ता प्रमाण खुद निगमायुक्त ने भी देखा। निगमायुक्त ने कंपोस्ट डिपो पर सीसीटीवी कैमरे बिठाने सहित कुछ सख्त हिदायतें दी है, जिन पर अमल न हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी, यह दावा निगमायुक्त ने गुरुवार को किया। गुरुवार को बसपा ने घरकुल और शौचालय की मांग करते मनपा में ढोल बजाए। निगमायुक्त ने आंदोलकों की सभी मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। घरकुल और शौचालयों की मांग करते मनपा में पहुंचे बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर महकमे के कानों तक अपनी मांग पहुंचाने का कारगर प्रयास गुरुवार को किया। आंदोलकों का यह आंदोलन काम कर गया है। आंदोलकों से चर्चा कर निगमायुक्त ने सभी मांगे न्यायिक रहने से यह मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। जिसके बाद आंदोलकों ने धर्म भूमिका में आकर आंदोलन सफल होने का ऐलान किया। या मागचा दृष्टिकोन असा की गेल्या मागील 2 वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने रमाई आवास योजनेसाठी 20 कोटी रुपये आणि वैयक्तिक शौचालयासाठी 10 कोटी रुपये असे 25 ते 30 कोटी रुपये या महानगरपालिकेमध्ये 2 वर्षापासून दिलेले आहेत। नवबौद्ध आणि अनुसूचित जाती घटकांसाठी हे योजना आहेत, परंतु महापालिकेच्या निर्लज्जपणामुळे कामचुकारपणामुळे गेल्या 2 वर्षापासून काही लोकांनी केसेस दाखल केलेल्या आहेत, या ठिकाणी फैली दाखल केल्या आहेत, त्या फैल्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही आहे। वैयक्तिक शौचालयाची सुद्धा कारवाई झाली नाही आहे। 10,800 वैयक्तिक शौचालय चेक मिळतो आणि 2,00,000 घरकुलचा चेक मिळतो। गरिबांना ही खूप मोठी देणगी आहे, परंतु हे सगळं शासनाने दिलं असताना सुद्धा फक्त महानगरपालिकेच्या कामचुकार प्रवृत्तीमुळे आजपर्यंत गेल्या 2 वर्षापासून त्या लोकांना हा लाभ मिळाला नाही। हा लाभ मिळाला नाही म्हणून आज आम्ही महानगरपालिकेवर या झोपलेल्या प्रशासनाला बैऱ्या प्रशासनाला जागा करण्यासाठी ढोल बजाव आंदोलनाचं आम्ही आयोजन केलं होतं। आयुक्त साहेबांनी आम्हाला तात्काळ म्हणजे या 2-4 दिवसांमध्ये वैयक्तिक शौचालय आणि घरकुल योजनेचे जे जे काही लाभार्थींचे केस दाखल झाले आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करून त्यांना लाभ मिळवून देण्याचं आश्वासन या ठिकाणी दिलेलं आहे। सोबतच जे एजन्सी आहे त्यांना घरकुलची योजना गेल्या 2 दिवसापासून फाईल घेणं बंद केल्या होत्या, ते आजपासूनच आयुक्त साहेबांच्या निर्देशांना सुरू केलेले आहे। सोबतच ज्या लोकांचे दारिद्र्यमध्ये नाव आलेलं नाही आहे त्यांचा परत सर्वे करण्यासाठी आयुक्त साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिले। मनपा जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर रही है उसे बंद कर दिया जाए, यह मांग अतिक्रमण धारक हॉकर्सों ने गुरुवार को निगमायुक्त से की। रमजान माह का हवाला देते कार्रवाई में छूट देने की मांग निगमायुक्त ने मान ली है। शहर में महापालिका की ओर से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू है, लेकिन इस कार्रवाई का अतिक्रमण धारक हॉकर्स विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को शहर के हॉकर्स मनपा स्थायी समिति सभापति विला सिंगोले और पार्षद हमीद श्रद्धा से मिले। इन पदाधिकारियों की अगुवाई में निगमायुक्त से मुलाकात हुई और गुहार लगाई गई कि यह कार्रवाई रमजान माह तक के लिए टाल दी जाए, यह मांग निगमायुक्त ने मान ली है। इस वर्ष का बारिश काल आरंभ हुआ, बारिश भी शुरुआती दिनों में अच्छी हुई, लेकिन किसानों को बुआई में व्यस्त कर यह बारिश रुक गई है। किसानों के दिलों की धड़कने इस रुके हुए बारिश ने बढ़ा दी है। किसान वर्ग चिंता में पड़ गया है। त्याच्यामुळे हे पावसासाठी आम्ही सर्व ह्या साकड्या रचलेल्या आहे। गावातल्या ग्रामदेवता आणि बजरंगबलीचं स्थान, मारुती महाराजचं स्थान सर्व आम्ही पाण्यानं आंघोळा करून सर्व शेतकरी बांधव गावातून प्रदक्षिणा घालत आहोत। जिले के किसानों ने अब सीधे वरुण देवता की मनोती करना शुरू किया है। धोंडी धोंडी पानी दे ऐसा कहते किसान वरुण देवताओं को जी भर के बरसने की कामना में लगे है। दूसरी ओर इस वर्ष की हुई बुआई भी खराब जाने का डर है। Oh, my God.
जिले के तिवसा निवासी नागरिक दूषित जल वितरण से परेशान है। तिवसा में पीने का पानी आग लगा रहा है, नागरिकों का आरोग्य भी खतरे में है, जिस पर तीव्र आंदोलन से जवाब मांग रही है तिवसा की जनता। जनता के इस आंदोलन को न्यायिक करार देते आगामी 8 दिनों में दूषित पानी की समस्या हल करने का दावा जल वितरण अधिकारी ने सिटी न्यूज से इस वक्त किया। आईटीआई के छात्रों ने गुरुवार को जिलाधीश से भेंट कर अचानक हुए फीस बढ़ोतरी की शिकायत की। पहले आईटीआई की फीस सिर्फ 60 रुपए थी, उसे बढ़ाकर अचानक से ही 5,500 रुपए कर दिया गया है। ये तो छात्रों पर सरासर अन्याय है। ये पक्ष छात्रों ने जिलाधीश के समक्ष रखा और यह फीस के बढ़े हुए दाम तत्काल कम करने की गुहार लगाई। आईटीआई जो अभ्यासक्रम अपने सगळ्यामध्ये आहे तो आईटीआईच्या सगळ्या अभ्यासक्रमाचे जे शुल्क आहे त्या शुल्कामध्ये गव्हर्नमेंटनी पहिले 60 रुपये शुल्क होतं, आज 5,500 रुपये शुल्क केलंय। तर ही जी वाढ आहे 60 रुपयावरून 5,500 रुपये, ही कुठेतरी एक सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये खरंच संधी आहे का यावर प्रश्नचिन्ह उभं करतं। एक 60 रुपये शुल्क देणारा विद्यार्थी याला जर डायरेक्ट तुम्ही 5,500 रुपये शुल्क भरा असं जर लगेच येईल तर तो विद्यार्थी कुठेतरी भांबावून जाईल। आणि सगळ्यांना माहिती आहे की आयटीआय मध्ये शिकणारे विद्यार्थी यांची काही आर्थिक परिस्थिती खूप स्ट्रॉंग नसते की जे 5,500 रुपये शुल्क भरू शकेल। आणि अशा सगळ्या अभ्यासक्रमाचं शुल्क जर गव्हर्नमेंट वाढवत आहे तर मला वाटतं कुठेतरी गव्हर्नमेंटवर हा प्रश्न उभा करतो आणि विद्यार्थ्यांना खरंच शिक्षण घ्यायला सगळ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत का यावरही प्रश्नचिन्ह उभं करतं। आणि या सगळ्या विषयाला धरून कुठेतरी ही फी कमी नाही तर ती रद्द करण्यात यावी, कारण शिक्षणाची गुणवत्ता जर सुधारायची आहे तर फी वाढवणं हे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा उपाय नाही आहे। तर कुठेतरी तुम्ही त्या सगळ्या शिक्षण प्रणालीमध्ये बदल करा की जेणेकरून गुणवत्ता वाढेल। चलिए अब नजर डालते हैं आज के कार्टून कोना पर। बारी मौसम समीक्षा की, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों इस बुलेटिन में बस इतना ही, अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पूर्व नजर डालेंगे बुलेटिन के मुख्य हेडलाइंस पर। गुरुवार की सुबह सुबह शिक्षक पति पत्नी चढ़ गए अवैध यातायात और अतिक्रमण की बलि। आशियाट कॉलोनी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, शिक्षकों को दर्दनाक मौत दी हमारे नाकारे महकमे ने, ऊपर से दिखाई दिखावे की खानापूर्ति भी। मनपा आयुक्त के दौरों की जानकारियां भी हो रही है लीक, असल सच्चाई पर पर्दा डालने में लगी है महकमे के रिश्वत लोभियों की लॉबी। पुलिस के कार्रवाई की जानकारी भी पहुंच रही है अपराधियों तक, डिपार्टमेंट के बंदे ही बन गए हैं अपराधियों के मुखबिर। घरकुल और शौचालय के लिए मनपा में ढोल पीटे बसपा ने, निगमायुक्तों ने मंजूर की आंदोलकों की न्यायिक मांगे। निगमायुक्त ने गुरुवार को किया कंपोस्ट डिपो और इतवारा बाजार का मुआयना, कचरा व्यवस्थापन और अतिक्रमण रडार पर है महकमे के। पार्षद पद रद्द होने के बाद अब पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है शमीना बानो सादिक आइडिया को, चुनाव आयोग को झूठा हलफनामा देना महंगा पड़ा नगर सेविका को। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, शक्कर साथ, अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570326 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर वन न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताजातरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।